हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि था ऑल टाइप्स ऑफ जावा सर्टिफिकेशंस पे। उस वीडियो को आपका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों ने मुझे पूछे हैं। सो आज वही सारे डाउट्स का मैं आपको आंसर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डाउट है उमेश पाठक का। आई एम नॉट गेटिंग, शुड आई गेट सर्टिफाइड फॉर जावा 8 और जावा 11 और जावा 17? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग चलते हैं ओरेकल के वेबसाइट पे। सो ओरेकल के वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग इसमें जाएंगे रिसोर्सेस में एजुकेशन में सर्टिफिकेशन। सो अभी सर्टिफिकेशन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे है जावा सर्टिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, उमेश का जो क्वेश्चन था, क्या उनको जावा 8 का सर्टिफिकेशन करना चाहिए या जावा 11 या फिर जावा 17? सो फ्रेंड्स, अगर हम जाते हैं जावा 8 के सर्टिफिकेशन में, सो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जावा 8 में। फर्स्ट सर्टिफिकेशन है जावा SE8 प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन, और ये इसका जो कोड नेम है या फिर इसका जो कोड नंबर है वो है 1Z0808। और फ्रेंड्स, दूसरा जो सर्टिफिकेशन है जावा 8 का, उसका कोड नंबर है या फिर उसका सीरियल नंबर आप बोल लीजिए 1Z0809। सो ये दो सर्टिफिकेशन अभी जावा 8 में है। एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स जावा 11, सो वी हैव दिस वन सर्टिफिकेशन कॉल्ड 1Z0819। एंड फॉर जावा 17 वी हैव 1Z0829। सो दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आई थिंक। सो फ्रेंड्स, अभी उमेश जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उमेश जी, अगर आप मार्केट के साथ चलना चाहोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक विथ द मार्केट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रैप द न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी कमिंग इन टू द मार्केट, यू शुड बी ऑलवेज टारगेटिंग द लेटेस्ट अपकमिंग और द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी। तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उन्होंने जावा 17 ही सीखनी चाहिए। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सो दैट हैज़ अ प्रॉपर रीज़न। सो फ्रेंड्स, अभी इसके पीछे का अगर मैं रीज़न आपको बताऊँ कि जावा 17 ही क्यों सर्टिफिकेशन उमेश ने करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो जावा 17 लॉन्च हुआ था सितंबर 14, 2021 में, और यहाँ अगर आप देखोगे विकीपीडिया के साइट पे तो जावा SE17 LTS यहाँ पे लिखा हुआ है। LTS स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इट मीन्स ओरेकल का ये जो जावा 17 का जो वर्जन है इसको सपोर्ट रहेगा इन केस ऑफ एनी बग फिक्सेस और एनी ऑफ द अपडेट्स और एनी ऑफ द फ्यूचर अपडेट्स। ओके, सो इसी के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ उमेश जी को कि उन्होंने जावा 17 का सर्टिफिकेशन ही करना चाहिए। अभी दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कनानी की तरफ से। सो संदीप कनानी बोल रहे हैं कि दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, कैन वी कनेक्ट ओवर अ फोन और अ जूम और गूगल मीट? सो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए काफ़ी अप्रिशिएटिंग है कि आप लोगों का मुझे इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे साइड से मेरा इंस्टाग्राम, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के कमेंट्स, मेरा फेसबुक का पेज, सारा लिंक्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जिनको भी जो भी डाउट्स हो, जो भी आप अगर मुझे मेल भी करना चाहो तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो सारी चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। और कोई भी अगर पर्सनल सजेशन चाहिए आपको, अगर मेरे से कनेक्ट होना है, तो वो भी मैं आपके लिए टाइम निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, नो इश्यूज फॉर दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी तुलसी का। इनको 1Z0808 सर्टिफिकेशन के लिए जो भी प्रिफरेबल बुक्स है वो इनको चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो कई सारी बुक्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशंस के लिए काम में आएगी। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा, मेरे पास ये एक किंडल डिवाइस है जो कि मैंने परचेस किया मेरे लिए है। सो इसमें मैं कई सारी किताबें अदर देन स्टडीज़ भी पढ़ते रहता हूँ। तो आप लोगों को अगर लगे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और व्हाई आई हैव परचेस दिस डिवाइस, इसके लेने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बुक्स काफ़ी कम कॉस्ट में, इवन 25-30% कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाती है, किंडल वर्जन की जो बुक्स है अमेजोन पे। और कई सारी किताबें फ्री में भी मिल जाती है फ्रेंड्स कई बार। सो आई हाईली रिकमेंड बाइंग दिस
Kindle to all of you guys. This is nothing but a simple Kindle 8GB variant. Okay, so let's move on to the next question. So the next user is quite amazing, 020 Hamza. I want to get associate level certificate, so please make a video, A to Z video on it. So मतलब इनको पर्टिकुलर कोई एक सर्टिफिकेशन पे कंप्लीट वीडियो चाहिए. सो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को इस टाइप के वीडियोस कोई भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ज़्यादा कमेंट्स जिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए रहेंगे, मैं उस पर वीडियोज बनाने का पूरा ट्राई करूंगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है. ये जो जावा का सर्टिफिकेशन का वीडियोज है, ये मोस्ट व्यूड वीडियो बन चुका है. इसके बाद में जो सर्विस नाउ सर्टिफिकेशन है, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिल रहा है. उसके बाद का जो वीडियो है, जो कि मैंने एज अ टेक्नोलॉजी न्यूज़ या तो फिर टेक अपडेट्स करके आपके साथ में शेयर किया था, वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में. तो उसको भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है. अभी तक उस पर 10,000 प्लस व्यूज़ भी हमको मिल चुके हैं. सो फ्रेंड्स, ऐसा ही अगर आपका रिस्पॉन्स रहा, तो मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता रहूँगा. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन उमेश पाठक के तरफ से. कैन वी डायरेक्टली अप्लाई फॉर 808 सर्टिफिकेशन विदाउट अ फाउंडेशन? सो मीन्स इनका बोलना यह है कि विदाउट एनी फाउंडेशन लेवल या फिर एनी प्रीरिक्विजिट एग्जाम, कैन ही डायरेक्टली अपियर फॉर 808? सो लेट अस डिग इनटू दिस. सो ये, सो फ्रेंड्स, ये है 808 सर्टिफिकेशन. ये है ओरेकल की वेबसाइट एंड आई एम ऑन दिस 808 सर्टिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, सो देर इज डायरेक्टली अ स्टेप वन मेंशन एंड इन दैट स्टेप वन देर इज नो प्रायर स्टेप. मतलब इसके पहले कोई भी स्टेप नहीं, तो आप उमेश जी, आप डायरेक्टली 808 जो सर्टिफिकेशन है 100808, इसको आप डायरेक्टली अपियर कर सकते हो विदाउट एनी प्री रिक्विजिट और विदाउट एनी एग्जाम प्रायर टू दिस 808 सर्टिफिकेशन एग्जाम. सो अगर आप देखोगे स्टेप वन में बस इतना ही लिखा हुआ है, प्रिपेयर टू टेक द रिक्वायर्ड OCA एग्जाम बाय टेकिंग द बिगनर एंड इंटरमीडिएट जावा SEA ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो आपको इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए. इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपने कोई ट्रेनिंग की होनी चाहिए, दैट इज वॉट दे आर सेइंग. एंड नेक्स्ट स्टेप टू इज यू कैन अपियर फॉर द सर्टिफिकेशन बाय बुकिंग यूर स्लॉट. सो दिस इज हाउ इट इज. सो ये सर्टिफिकेशन का भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये जितनी भी सारी लिंक्स में यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस लिंक्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कलाना संदकेलम. कैन वी डायरेक्टली अपियर फॉर 8 इट इज नॉट आई. कैन वी डायरेक्टली अपियर फॉर IZ0819? सो फ्रेंड, it is not I think it is 100819. So let us dig into this now. So friends, 100819 is nothing but Java SE 11 developer certification. So this is nothing but for those who directly wants to jump onto the Java SE 11 certification. So yes, they can appear for that particular certification, and here also there is no prerequisite mentioned for it. Actually, if you can see here, directly it is the step one and the instructions are given here, so you can directly appear for it. So let's move on to the next question now. So next question is from Satish and Nagendiran. So these both guys are asking for dumps. So again, I will say one thing, I will give you the links for the dumps in the description box, or there are some videos available on Udemy, or there are some dumps books are also available on Amazon. So like we have previously talked about this thing, so those you can directly purchase from those particular portals and you can access them. And in addition to this, I would also like to help you by giving you the links in the description box, so do check it out. So our next question is from Nancy James. Thanks for your reply. I mean, this question answer I have already given, so but intentionally I am covering it so that other guys can also know what she has asked to me. Please suggest a book for doing the upgrade version of Java SE 11, that is nothing but 100817, as I am already completed certification in Java 6. So
व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज, इनका ये बोलना है कि इन्होंने ऑलरेडी जावा 6 का सर्टिफिकेशन कर लिया है, अभी इनको जावा एसी 11 में अपग्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, जहां तक हमको पता है, पहले ओरेकल के वेबसाइट पे अपग्रेड नाम से भी एक सर्टिफिकेशन हुआ करता था, बट दैट इज नाउ नॉट देयर। सो शी कैन डायरेक्टली अपियर फॉर जावा एसी 11 सर्टिफिकेट, एंड विच वन दैट सर्टिफिकेट इज 100819। सो नैन्सी, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, यू कैन डायरेक्टली अपियर फॉर 100819, विच इज नथिंग बट जावा एसी 11 डेवलपर सर्टिफिकेशन। ओके, सो दैट इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। एंड शी हैज आस्क वन मोर क्वेश्चन, उनका और एक क्वेश्चन है, हाई आई नीड डम्स फॉर जावा 11, प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन, ऑल्सो आई नीड टू नो द एवरेज टाइम स्पैन टू प्रिपेयर, थैंक्स इन एडवांस। सो नैन्सी, एक्चुअली your first question regarding dump, so I have the same answer, I will be giving those links in the description, please try to check it out. Second thing, she is asking about the average time span which she might be needing to prepare for this exam. So friends, about the time span, I can clearly say it completely depends on individual to individual. Like if I prepare for this Java SE 11 certification next daily 2 hours or 1.5 hours in addition to my job timings in my leisure time. So it might take for me around 3 months, 2 months, three to three and a half months also, because if it is getting consistently followed, then I might complete it into 2 to 2.5 months also. Or if there are some discrepancies are there, if I'm not able to maintain it consistently, then I might take 3.5 to 4 months. So that is completely depends on you and your and how much time you take to practice actually. And please don't forget to attend the mock tests, or please don't forget to go through these dumps. Why? Because these dumps will give you the idea of what type of questions are getting asked into that particular exam, so that you are well prepared to sit and attempt for those questions in that particular exam. So that is the highest recommendation from my side. So next, move on to the next question. So next question is from Caleb. What is her name? Sorry, what is his or her name? I don't know. Hi Caleb, I don't know what's your correct pronunciation. So please forgive me. So what he or she is asking, could you please explain some example questions? So like I have already talked about the dumps, so in that dumps you will be finding lot of sample questions, so don't worry, the pattern of the questions will be the same like how those are there in that or those dumps. So once you practice thoroughly those dumps, then it will give you the clear picture. So friends, that's it for today. Please don't forget to subscribe, like and share these videos. Thanks a lot, best luck.